हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल नीतू डायनामिक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्ते की सब्जी और फ्राई भी, जिसको फ्राई पकौड़ी भी आप खा सकते हैं इसका। तो कैसे बनाना है आपको दिखा देते हैं। ये अरबी के मैंने पत्ते धो लिए हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें लिए हैं। ये बारीक कटा हुआ प्याज और ये थोड़ा नारियल को कूट लिए हैं। ये धनिया, ये हरी मिर्च और ये थोड़ा सा लहसुन, एक टमाटर, ग्रेवी बनाएंगे तो उसके लिए, और ये दो जगह अदरक लिए हैं, एक पीस के डालना है। किसमें पीसना है ये मैंने, ये देखिए, एक ग्रेवी बनाना है उसके लिए अदरक लिए हैं, और एक ये जो चने की दाल मैंने लिया है, इसको भिगो के, रात भर भिगो के रख दिए थे, तो इसको पीसना है। तो ये चने की दाल, ये अदरक और ये हरी मिर्च और ये लहसुन, ये चीज़ मिला के पीस लेना है इसको। तो आइए इसको पीस लेते पहले, उसके बाद इसको कैसे बनाना है, क्या करना है आपको दिखाते हैं। इसमें मैं ये चने की दाल ले लिए हैं, इसको अच्छे से धो के उसके बाद इसमें डाल दिए हैं, ये अदरक को काट के डाल दिए हैं, और इसमें ये लहसुन भी डाल देंगे, और तीखे के हिसाब से आप इसमें मिर्च डाल सकते हैं। मैं चार दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से दीजिए। अब इसको पीस लेना है, इसको थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लीजिएगा, पेस्ट बना लीजिएगा। ये मसाले के लिए पेस्ट बना रहे हैं, वो ग्रेवी बनाने के लिए मसाले तैयार कर रहे हैं। इसमें ये मैंने एक टमाटर इसको काट लिए हैं, और इसमें अदरक को भी काट के डाल दिए हैं, जो एक इंच लिए थे अदरक, और ये इसमें एक हरी मिर्च, और इसमें मैंने एक छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च और दो लौंग और थोड़ी सी दालचीनी, ये देखिए थोड़ी सी दालचीनी और दो लौंग लिए हैं और काली मिर्च और एक छोटी इलायची, बस इसमें डाल देंगे। अब इसमें एक छोटी चम्मच जीरा, एक चम्मच धनिया, हरा धनिया भर के एक चम्मच खड़ा धनिया, बस अब इसको पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, अब इसका पेस्ट बना लेंगे, इसको भी साइड में रख देंगे, अभी इसको बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो इसको पीस के रख देंगे। अब इसमें मैं ये पेस्ट देखिए बना लिए हैं चने की दाल। अब इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा, पहले स्वाद अनुसार नमक कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि और सब में भी नमक डलेगा इसीलिए। और इसमें एक इंच टुकड़ा नींबू निचोड़ के इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें नींबू की जगह आप आमचूर भी डाल सकते हैं, तो मैं ये नींबू इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मसाले भी आप डाल सकते हैं, इसमें जैसे हल्दी, इसमें मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच, और इसमें ये थोड़ी सी तीखी मिर्च, आप इसमें नींबू के जगह अमचूर भी डाल सकते हैं, और ये प्याज, बारीक काटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे इसमें। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा धनिया भी, थोड़ा ग्रेवी के लिए रख देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे। मसाले में मैं लहसुन प्याज ये सब इसलिए नहीं डाले हैं, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज है। अब ग्रेवी में भी लहसुन प्याज डालेंगे तो ज़्यादातर खाली लहसुन प्याज ही का टेस्ट आएगा, तो क्या कैसे क्या बना है वो नहीं टेस्ट आएगा। और इसमें इसलिए प्याज और डालें क्योंकि ये जो बनाएंगे आप इसको फ्राई भी खा सकते हैं, इसीलिए इसमें प्याज और लहसुन इस सब डाल के बना रही हूँ। ये मैंने अरबी का पत्ता ले लिए हैं, अब इसको यहाँ से कट कर देंगे, डंडी को यहाँ से कट कर देंगे।
सारे अरबी के पत्ते में ये जो डंडल है इसको काट देंगे। ये मैंने एक अरबी का पत्ता ले लिए हैं। अब इसमें ये दाल को इस तरह से लगा देंगे, इसको हाथ से भी लगा सकते हैं। अच्छे से इसको लगा देंगे। इसी तरह दूसरा पत्ते लेंगे, इसमें भी ये लगा देंगे। इसी तरह लगाएंगे। थोड़ा सा कटी हुई हरी मिर्च भी आप इसमें काट के डाल सकते हैं। अब इसको फोल्ड कर लेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैं बनाते जाऊंगी। अब इसमें दूसरा स्टेप आपको दिखा रहे हैं। जैसे इसको लगा दिए हैं, अब इसमें ये जो नारियल मैंने लिए हैं ये नारियल को भी इसमें आप डाल सकते हैं। इस तरह से नारियल का भी टेस्ट आएगा, तो इसीलिए ये नारियल को भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसी तरह इसको भी लगा देंगे। आप इस तरह का बेसन का भी बना सकते हैं। मैं ये दाल का बनाई हूँ, तो आप इसमें बेसन डाल के बेसन को घोल के इसमें प्याज और हल्दी नमक ये सब डाल के इसमें आमचूर पाउडर डाल के आप बेसन को भी घोल के बना सकते हैं। ये मैं आपको चने की दाल की बना के दिखा रही हूँ कि इसका भी बनता है। ज़्यादातर लोग बेसन का ही बनाते हैं, पर मैं ये देखिए एक चीज़ डालना भूल गए, नारियल। इसी तरह नारियल आप ऊपर से इसको इस तरह दे देंगे। देखिए एक बिना नारियल का बनाए हैं और एक नारियल का। अब ये फ्राई करेंगे ना जब, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको जब पहले इसको स्टीम करेंगे पानी में और चने की दाल की जगह बेसन भी यूज कर सकते हैं। आप लोग तो बेसन का तो खाए होंगे, तो ये चने की दाल का नहीं खाए होंगे, इसीलिए मैं ये चने की दाल का बना के दिखा रही हूँ। अब इसको फोल्ड कर देंगे। और अगर कुछ ना वो इसको बांध भी सकते हैं, धागे से इसको बांध भी सकते हैं। इसको बांध देंगे तो ये नहीं होगा। अब आगे का दिखाते हैं आपको, इसी तरह कर लेंगे। ये मैंने कढ़ाई बैठा दिए हैं, पानी को बॉईल करने दे देंगे पहले।
और ये जो मैं देखिए ये जाली वाला थाली लिए हैं, इसी में बैठाना है। तो ऊपर पहले इसमें तेल लगाएंगे ताकि चिपके ना, इसलिए इसमें तेल लगा देंगे। अब इसमें तेल लगा दिए हैं और पानी भी बॉईल हो गया है, इसमें इस तरह से रख देंगे, इसमें इस तरह से रख देंगे। और जब तक ये बॉईल ना हो जाए, स्टीम ना हो जाए, बॉईल नहीं करना है, स्टीम करना है। अब इसको ढक देंगे, इसको इस तरह से कम 20 मिनट तक इसको इसी तरह पकने देंगे स्टीम होने के लिए। देखिए ये बॉईल हो गया है, आधे घंटे के लिए बॉईल नहीं, स्टीम करने के लिए रख दिए थे। और इसको देखिए इस तरह से पीसेस में काट लिए हैं, देखिए इसको पीसेस में काट के इसको अब फ्राई करेंगे सरसों के तेल में, इसको फ्राई करेंगे। आप इसका फ्राई भी खा सकते हैं, कितना अच्छा देखिए देखने में लग रहा है। आप इसका फ्राई करके पकौड़ी जैसा भी खा सकते हैं, और ग्रेवी बना के, रसेदार जो ग्रेवी बना के आप उसका सब्जी भी खा सकते हैं इसको। तो ये फ्राई करते हैं इसे, इसमें ये सरसों का तेल डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। पहले मेरा तेल गर्म हो गया है, अब इसको डाल देंगे फ्राई करने के लिए। मीडियम आँच में इसको फ्राई करेंगे, तेज आँच से नहीं, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए कितने अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा और भी फ्राई होगा, एकदम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। और जो खाने वाला है उसको तो थोड़ा सा और भी फ्राई करेंगे, जो फ्राई खाना होगा उसको थोड़ा अच्छे से फ्राई करेंगे। अरबी के पत्ते की सब्जी बन के तैयार हो गया, इसमें चने की दाल भी पड़ गया, इसमें आप बेसन भी लगा के कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं। जो हमने तीन फोल्ड किया, तीन लगाया, तीन पत्ते, आप एक एक पत्ते भी लगा सकते हैं तो और भी अच्छा, छोटा छोटा बनेगा और भी अच्छा होगा। तो मैंने तीन तीन करके लगाया है, इसलिए मोटा मोटा लग रहा है। तो आप पतला चाहते हैं तो उसको एक से दो पत्ते लगा कर भी बना सकते हैं इसमें। अब मेरा ये हो गया है, इसको निकाल लेंगे, बाकी फ्राई भी करना है, इसको निकाल के बाकी फ्राई कर लेंगे। अब ये मेरा फ्राई होके निकाल दिए हैं, अब इसमें ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। ये तेल बचा है, अब इसमें तेज पत्ता, अब इसमें तड़का लगाएंगे, एक तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा मैंने तड़के के लिए, हींग थोड़ी सी, अब इसमें जो पेस्ट बना के रखे थे उसको डाल देंगे। आप इसके जगह प्याज, प्याज और कर सकते हैं, बारीक काट के उसमें प्याज डाल सकते हैं। और मैं ये बिना प्याज लहसुन को बना रही हूँ ग्रेवी, क्योंकि उसमें लहसुन भी है पकौड़ी में और प्याज भी है, इसीलिए इसमें प्याज नहीं डालेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी, मिक्सी में थोड़ा सा मसाले से तो ढोके इसमें डाल देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे, पकौड़ी में नमक है इसलिए उस हिसाब से फिर नमक ऐड करेंगे। पानी लेकर फिर ग्रेवी के लिए नमक चाहिए, पकौड़ी को फ्राई किए हैं इसलिए तेल थोड़ा रंग बदला हुआ लग रहा है।
आप तेल हटाकर दूसरा तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसी तेल में यूज़ कर रही हूँ जिसमें पकौड़ी को तले थे, उसी तेल में हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसी में ये हल्दी आधा चम्मच, छोटी चम्मच आधा छोटी चम्मच हल्दी, और थोड़ा सा एक चम्मच भर के धनिया पाउडर, ये छोटी चम्मच ही धनिया पाउडर डालें, और ये थोड़ा सा आधी मिर्च, तीखी वाली मिर्च डाल रही हूँ। अब एक चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च डालूँ इसमें, और इसको धीमे आंच में इसको पकने देंगे। अब इसी में थोड़ा कसूरी मेथी भी डाल देंगे। थोड़ा कसूरी मेथी हाथ में इस तरह से लेके थोड़ा क्रश करके इसमें डाल देंगे। थोड़ा कसूरी मेथी डालने से इसका जो फ्लेवर है, खुशबू है, बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कसूरी मेथी मैंने डाल दी। अब इसको धीमे आंच में इसको पकने देंगे ताकि टमाटर भी कच्चा ना रहे और मसाले जो है थोड़ा सा धीमे आंच में ही इसको फ्राई भी हो जाए। मैंने गरम मसाला इसमें तो डाला हुआ है, पर थोड़ा सा ये बाहर वाला गरम मसाला जो है डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डाले हैं, क्योंकि तो इसमें गरम मसाला मैं पहले ही डाल दिए थे इसलिए। अब देखिए ये मसाला फ्राई हो गया है, तेल भी साइड से निकला है, तेल छोड़ने लग गया है। अब ये मेरा हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा दो चार दाने चीनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं अगर मुझे पसंद है तो, आप स्किप भी कर सकते हैं। डालने से अच्छा होता है, फ्लेवर और भी टेस्टी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डालते हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, अब इसमें पानी डाल देंगे, आप ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको बॉयल आने देंगे, अच्छे से ये उबल जाए। अब ये उबल गया है, अब इसमें इसको डाल देंगे। सारे को मैंने चार बचा के रखे हैं, बाकी इसमें डाल देंगे। चार से पांच रख दिए थे फ्राई वाला पकौड़ी खाने के लिए, और बाकी इसमें डाल देंगे। और इसमें दो, बस एक से दो मिनट उबालने के लिए देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा उबालेंगे तो ये गल जाएगा, तो फैल जाएगा, अच्छा नहीं, एकदम बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा कम उबालेंगे उसको, बस एक से दो मिनट के लिए। अब इसी में थोड़ा सा हरी धनिया भी डाल देंगे थोड़ा खुशबू होने के लिए, थोड़ा सा बचा के रख भी दिए हैं ऊपर से साफ करने के लिए। अब एक से दो मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि सारा जो इसमें रस जो है चला जाए इसमें और टेस्ट हो जाए। अब मेरा ये हो गया है, अभी दो मिनट हो गया मेरे, तो इसको सर्व कर लेते हैं। गैस को बंद कर देंगे, देखिए ग्रेवी गाढ़ा भी हो गया है, तो इसको ये हो गया, अब गैस को बंद कर देंगे और उसको सर्व कर लेते हैं। देखिए मेरा ये ग्रेवी तैयार हो गया है, अरबी के पत्ते की सब्जी, और ये मेरे पकौड़ी भी मेरा तैयार है, देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए मेरा ये पकौड़ी तैयार हो गया है, ये देखिए आप पकौड़ी भी खा सकते हैं, कितना क्रिस्पी बना है, टेस्टी भी बना है पकौड़ी। और ये मेरा पकौड़ी भी तैयार हो गया है और ये ग्रेवी भी तैयार हो गया है, आप दोनों ही खा सकते हैं,
पकौड़ी के भी मज़ा ले सकते हैं और इसका सब्जी बना के चावल के साथ रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। लीजिए खाइए, आप लोग सभी लोग खाइए। देखिए इस तरह से पकौड़ी चने की दाल से बनाए हैं, बेसन से नहीं। आप इसके जगह बेसन का भी बना सकते हैं। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।